मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नहीं हूँ, मैं महबूबा मुफ्ती नहीं हूँ, मैं नेशनलिस्ट हूँ, मैं हिंदुस्तान के साथ हूँ, क्या आप मुझे भी उसी नज़र से देखेंगे जिस नज़र से फारूक अब्दुल्ला को देखेंगे? देखिए, इंक्लूसिवनेस और सबको साथ लेने की बात एकजुट जम्मू करता रहा है, लेकिन इंक्लूसिवनेस को अचीव करने के लिए आपको एक्सट्रीमिज्म और फंडामेंटलिज्म को दूर करना पड़ेगा। हमने एकजुट जम्मू के प्लेटफॉर्म से कभी भी मुसलमानों पे हमला नहीं किया। हमने अगर बात कही तो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म और इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म की बात कही। आपने फारूक अब्दुल्ला की बात कही, फारूक अब्दुल्ला ने 1987 में जो स्पीचेस दी हैं कश्मीर में रहते हुए, उसके कारण 1990s का जिनोसाइड हुआ है, ये आपको तथ्य जानने चाहिए। जम्मू कश्मीर में हिंदूज, सिख, जैन, बौद्ध, उनके माइनॉरिटी राइट्स ये मुसलमान छीन के मुसलमानों को नहीं दे रहा है। ये कम्युनल पॉलिटिकल पार्टीज जिन्हें आप सेक्युलरिज्म का टैग पहना रहे हैं, वो हिंदुओं से, सिखों से, जैनों से, बौद्धों से, उनसे छीन के उनके राइट्स उनको दे रहे हैं। इसे कम्युनलिज्म कहते हैं। एकजुट जम्मू जब 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर, जिस ऑर्डर के आधार पर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच में द्वेष पैदा करने की कोशिश की गई, क्योंकि उसमें ये कहा गया महबूबा मुफ्ती के जरिए कि कोई भी डीएम और एसएसपी किसी मुसलमान पर कार्रवाई नहीं करेगा अगर वो जम्मू में गौ हत्या करता है और जम्मू संभाग में अगर वो पे कब्जा करता है, उसे अपोज करना सेक्युलरिज्म है, उसे उस ऑर्डर को इशू करने वाली जो ताकतें हैं वो कम्युनलिज्म है। हम मुस्लिम सुनिए मेरी बात, मैं आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट। जहां तक डेमोग्राफिक इन्वेजन की बात रही, हमने ये कहा कि कोई भी मुसलमान जम्मू संभाग में अगर अपनी मेहनत से लीगल तरीके से लीगल जगह पे ज़मीन खरीदता है अपनी सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए, बेटर हेल्थ, बेटर सिटी की जो 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 भी फैसिलिटीज़ होती हैं उन्हें अवेल करने के लिए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप 14 फरवरी 2018 के ऑर्डर के जरिए कुछ मुसलमानों को सरकारी ज़मीन पर बैठाते हैं, उससे आपत्ति है, और विद एन इंटेंट टू चेंज द डेमोग्राफी ऑफ एरियाज। जब आप रोशनी कानून को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं कि 10 में से 9 एप्लीकेशंस उन्हीं लोगों की सक्सेसफुली प्रोसेस होंगी जो एक धर्म विशेष से संबंध रखते हैं, तो हमें उस कम्युनलिज्म से प्रॉब्लम है। तो जम्मू कश्मीर में जहां तक डेमोग्राफिक इन्वेजन की बात है, इंड्यूस्ड, स्टेट स्पॉन्सर्ड, अननेचुरल तरीके से किया गया डेमोग्राफिक इन्वेजन, उससे हमें समस्या है। यहां पे फॉरेस्ट लैंड्स को एनक्रोच करना और उसमें स्टेट कन्नाइवेंस और स्टेट एक्वेशंस के जरिए ये सुनिश्चित करना कि जम्मू संभाग में, खासकर जम्मू और हिंदू मेजॉरिटी एरियाज में, केवल एक धर्म विशेष के लोग ही 90% से अधिक जंगलों पे कब्जा करेंगे, रिवर बेड्स पे कब्जा करेंगे, उस डेमोग्राफिक इन्वेजन को हम चैलेंज कर रहे हैं। कोई आप यहाँ पे आए हैं, आप यहाँ पे जमीन खरीदिए, चलिए मेरे साथ, आप दिखाइए कि मैं लीगल तरीके से मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं एक बेटर स्टैंडर्ड्स के लिए यहाँ पे शिफ्ट हो रहा हूँ। अगर आपको कोई अपोज कर जाएगा तो आप कहिए, आप हमसे सवाल पूछिए। हमने आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। देखिए, आपने कंपैरिजन करने की कोशिश की फारूक अब्दुल्ला के, फारूक अब्दुल्ला इज द परपेट्रेटर ऑफ जीनोसाइड ऑन हिंदूज ऑफ कश्मीर इन द 1990s। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ऑल कश्मीर पे बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज डिनाइड, सुनिए मेरी बात, डिनाइड फंडामेंटल राइट्स, डिनाइड फंडामेंटल राइट। तो इसीलिए एकजुट जम्मू अगर किसी चीज के विरुद्ध है, दैट इज अगेंस्ट इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म एंड फंडामेंटलिज्म। एक ऐसा नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि जिन्होंने कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को या दूसरी कम्युनिटी को बाहर निकाला, एक ऐसा नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि हम सेकुलर हैं। और क्या आपने कोई ऐसा कांड किया है जो ये कहता है कि आपने मुस्लिमों को ही टारगेट किया है? ऐसा कोई अगर आपने किया, देखिए, तो मुझे लगता है आप पे सवाल भी उठेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि एक ऐसी सोच कश्मीर से लाई जा रही है। इसी को हमने कहा कि दिस इज सबवर्जन। कम्युनलिज्म और फंडामेंटलिज्म को जब आप सेक्युलरिज्म का चोला पहना के सेक्युलरिज्म पेश करें, दैट्स कॉल्ड सबवर्जन, एंड दैट इज व्हाट एकजुट जम्मू इज अगेंस्ट, जो कि पिछले 70 साल से हो रही है। जीनोसाइड के परपेट्रेटर्स अपने आप को सेक्युलर नेता कह के यहाँ पे मार्केट और एडवर्टाइज कर रहे हैं, इससे बड़े शर्म की बात है कुछ नहीं। एब्सोल्युटली, वी से कि ये ऐसा मॉडल है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज में, और ये इंटरनेशनल मॉडल है जिहाद का, जिसमें यू एंटर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज यूजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेसेस एंड फ्रीडम्स, एंड देन यू सबवर्ट इट फ्रॉम विद इन। और आपने ये देखा कि यहाँ की विधानसभा को इस्तेमाल करते हुए ऐसे कानून और ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए गए जिसके बाद कम्युनल एजेंडाज अचीव किए गए, और ये सुनिश्चित किया गया जम्मू कश्मीर में
कि एक ऐसी कम्युनिटी जिसने जीनोसाइड फेस किया और भारत सरकार इज ए सिग्नेटरी टू द चार्टर ऑन क्राइम्स अगेंस्ट जीनोसाइड बिफोर यूनाइटेड नेशंस, और ये सुनिश्चित किया गया ऐसे विधानसभा और इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करके कि इनके साथ अगर जीनोसाइड या नरसंहार हुआ है तो उसे ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी और परपेट्रेटर्स को पनिश नहीं किया जाएगा। इससे बड़ी सबवर्जन और क्या हो सकती है? जिसके जरिए ये सेपरेटिज्म अलगाववाद को और बढ़ा सके। भारत सरकार को यह समझने की जरूरत है, जो अभी तक नहीं समझ पाई है, कि हमने अपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को और डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल नहीं होने देना है इन नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक हेजमोनिक लीडर्स के हाथों।